हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षय टेक मिक्सिंग में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो पबजी फैंस के लिए काफ़ी सैड न्यूज है, क्योंकि फ्रेंड्स भारत सरकार ने पबजी समेत 118 चीनी ऐप पर ऐप को बैन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार का यह फैसला आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और यह डिसीजन भारत सरकार और अपने देश हित के लिए क्या किस प्रकार का है, आपके विचार से आप कमेंट करें। अब फ्रेंड्स, पबजी के बैन होने के बाद दो गेम को आप खेल सकते हैं फ्रेंड्स। एक है कॉल ऑफ ड्यूटी, जो काफ़ी रेटिंग दी हुई है प्ले स्टोर में, और इसके 100 मिलियन यूजर्स हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है दूसरे नंबर पे फ्री फायर की यूजर्स की काफ़ी संख्या बढ़ी है। पबजी के बाद इसको दूसरा सबसे ज़्यादा गेम खेला जाने वाला गेम है, तो आप फ्री फायर को भी खेल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए कॉल ऑफ ड्यूटी का, तो फ्रेंड्स ये पबजी के मुकाबले हाई लेवल का गेम है। इसको सेम उसी प्रकार का एक्सपीरियंस मिलेगा जिस प्रकार पबजी में मिलता था, जो बिल्कुल सिक्योर है। आप इसे खेल सकते हैं, इसलिए इसे भारत सरकार ने अभी तक इसे बैन नहीं किया है। भारत सरकार ने अपने देश हित के लिए पबजी को बैन किया है फ्रेंड्स। इससे भारत के डाटा के नुकसान होने का काफ़ी संभावना थी, तो फ्रेंड इसलिए पबजी को बैन किया गया। और जितने भी चीनी ऐप थे 118 ऐप पबजी सहित, इन सभी ऐप्स को बैन किया गया। तो अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं, तो आप सिंपली फ्रेंड्स प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप फ्रेंड्स वहां पे कॉल ऑफ ड्यूटी सर्च करें। कॉल ऑफ ड्यूटी जाने के बाद फ्रेंड्स आप वहां पे रेटिंग देख सकते हैं, 4.5 रेटिंग है फ्रेंड्स, और इसके काफ़ी 100 मिलियन इसके यूजर्स हैं। आप चाहे तो उसे डाउनलोड करके उसको प्ले कर सकते हैं। ये काफ़ी हाई लेवल का गेम है। आप इसके भी ग्राफिक्स लेवल भी काफ़ी अच्छी है। और फ्रेंड्स आप ये इसकी साइज की क्षमता फ्रेंड्स 1.5 GB की है, यानी 1.5 GB के आसपास है। अगर आपका 2 GB रैम है या फिर इससे ज़्यादा है, तो और बढ़िया होगा। आप इजीली इस गेम को आप प्ले कर सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स यूजर्स की संख्या काफ़ी बढ़ी है जैसे लॉकडाउन बढ़ा। इससे पहले तो गेम खेलने के किसी को उतना मौका टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुई फ्रेंड्स पबजी यूजर्स की काफ़ी संख्या बढ़ गई थी। और कोरोना वायरस के चलते फ्रेंड्स ये भारत और चीन के बीच काफ़ी युद्ध जैसी स्थिति होने के कारण चीनी ऐप को काफ़ी समय से इससे पहले और एक बार बंद किया गया था। चीनी ऐप के जितने भी ऐप्स हैं उनको भारत सरकार ने बैन किया था। इसके बाद फिर से चीनी ऐप सहित 118 ऐप, जो जिसमें पबजी लिविक, पबजी लाइट और पबजी मोबाइल, ये सभी गेम शामिल है जिसको भारत सरकार ने बैन किया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आप देख सकते हैं, मैं आपको कॉल ऑफ ड्यूटी का मैं कुछ ट्रेलर आपको दिखाता हूं, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।